much AD6438 करोगे या ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के ये स्टार्टिंग में आपको बताते हैं अगर कोई सॉफ्टवेयर 64 बिट का है क्या बोलते हैं ये एक प्रोग्रामिंग इनके टाइप है इसके जो बिट और बाइट जिसपे प्रोसेसिंग डिपेंड करती है क्योंकि प्रोसेसर भी जो आता है आपका वो भी 64 बिट का आता है 32 बिट के अकॉर्डिंग ठीक है अगर उस बिट के अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे या विंडो यूज करोगे विंडो भी एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर से आप बाकी एक्सटर्नल वो भी सॉफ्टवेयर है तो वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेसिंग के बिट के ऊपर जो उसकी कैलकुलेशन होती है वो जो ट्रांसपेरेंटी रेट होता है जो कॉपी स्पीड वगैरह सब कुछ सीपीयू पे डिपेंड करता है और आपकी बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस जो आपके रोम वगैरह है वगैरह भी डिपेंड करता है ठीक है तो जो सीपीयू है अगर उसकी प्रोग्रामिंग 32 बिट के अकॉर्डिंग हुई है ठीक है तो वो हाई लेवल की विंडोज पर एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी कभी आपकी दिक्कत भी मिलेगी क्योंकि आपको नहीं पता है उसकी बिट क्या है ठीक है और आप उस पर 64 बिट की विंडो को इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात थी यहाँ पे विंडो की बात होगी क्योंकि विंडो 64 बिट की आप यूज कर रहे हो जो आपका प्रोसेसर है वो 32 या 64 बिट पे डिपेंड करता है तो आपका ये प्रोसेसर 32 बिट का विंडो आप यूज करने की कोशिश कर रहे हो उसपे 64 बिट की तो वो काम नहीं करता वहाँ पे वर्जन का बिल्कुल इशू आ जाता है वो दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर मैन्युफैक्चर समझिए कुछ ऐसा होता है ठीक है तो जो बिट की गलत वो एक टाइप है 2 बिट में बांटा गया है क्योंकि मैं उसमें लास्ट आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था 32 बिट के सॉफ्टवेयर आप 64 पे भी यूज कर सकते हो 32 बिट पे भी कर सकते हो बट जो 32 बिट के सॉफ्टवेयर है मैं उल्टा बोल देखा दोबारा से बीट करता हूँ शायद मैं उल्टा बोल 64 बिट के जो सॉफ्टवेयर है वो 64 बिट की विंडो पे भी काम करेंगे और 32 वाले पे भी काम करेंगे और जो 32 बिट की जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ उसी पे काम करेंगे 64 पे नहीं करेंगे ठीक है वो विंडो की बात हुई जब आपके पास में विंडो है तब लेकिन आपके पास में जब आपका जो प्रोसेसर है अगर उसकी प्रोग्रामिंग 64 या 32 के अकॉर्डिंग हुई होगी तो सेम एप्लीकेशन जो सेम कंडीशन अप्लाई होगी आपके विंडो के ऊपर भी कभी कभी आपके प्रोसेसर है वो 32 पे भी रह जाते हैं तो 64 को सपोर्ट नहीं करते तो आपको एरर दे देते हैं तो आप 64 बिट की उस पर विंडो को नहीं इंस्टॉल कर सकते हो 32 को कर सकते हो जो मैं समझाऊंगा एक्सप्लेन करता हूँ आपको अभी बताइएगा ठीक अगर किसी मेरे पैर के साइज 9 नंबर है ठीक है और मैं मुझे जूता मिलता है 6 नंबर का तो मैं उसको नहीं पहन सकता बिल्कुल करेक्ट लेकिन अगर मेरे पैर का साइज जो है 7 नंबर का जूता मिलता है 9 नंबर का मैं 7 का भी पहन सकता हूँ 9 का भी पहन सकता हूँ एडजस्ट करना पड़ेगा सर जी तो ऐसा ना पैर तो आसानी से मिल जाएगा ना 9 में तो 7 में चला जाएगा 9 में चला जाएगा लेकिन सर वही दिक्कत आएगी ना एडजस्ट करना पड़ेगा ये तो सीधा मना कर देता है जो ठीक है तो नहीं ना क्या 32 के सॉफ्टवेयर को अगर हम 64 बिट पे जो है रन करते हैं वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या वो पता नहीं करना वो सिस्टम कर देगा दिखा देगा हैं एप्लीकेबल दिखा देगा वो इंस्टॉल हो जाएगा 32 बिट का 64 में 64 बिट की विंडो है 32 बिट का सॉफ्टवेयर यूज कर रही हो तब इजीली काम कर सकते हैं काम कर सकते हैं तो आपने कहा ना कि 34 का 32 का 32 में ही काम करेगा हां आपने ये कहा उल्टा बोल दिया शायद मैं बीच में ये वही मैं कुछ टाइम में डाल कैसे हुआ करेगा मैं शायद बता दूं भूल गया इसका मतलब है कि 32 का ना वो 64 बिट मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं 64 बिट की अगर विंडो है तो 64 प्लस 32 दोनों को डाल सकते आपने कहीं मना कर दिया पहले शायद मैं उल्टा बोल रहा तो और 32 का सिर्फ 32 तक ही रहेगा 64 पे नहीं रहेगा ठीक है नहीं 32 का 32 वाली विंडो भी क्योंकि विंडो ही कम है विंडो की बिट कम है तो आगे जा नहीं सकता आगे जा नहीं सकता वो तो और बट ऑब्वियस है हां बट उस पे दोनों कर सकते उस पे दोनों कर सकते हां यही मेरा क्वेश्चन था ठीक है शायद मैंने गलत बोल दिया वो शायद मैं यही सोच मैं बहुत कंफ्यूज हो गया मैं लॉजिक से गलत बोल रहा हूं उल्टा बोल गया उल्टा बोल गया ठीक है दिक्कत तो नहीं होती है गलती किसी से भी हो सकती है ठीक है जब आप सिस्टम को स्टार्ट करोगे ठीक है तो आपके पास में फाइनल विंडो एक ये आएगी यहाँ पे अपने पीसी का नाम दोगे ठीक है तो यहाँ पे मैं पीसी का नाम टाइप करता हूँ नाइन टाइप करो उसके क्या एक बार इंस्टॉल करने के बाद में इसके नाम को चेंज किया जा सकता है यहाँ से कर सकते हो यहाँ से नहीं कर सकते सेटिंग से कर सकते हो अंदर से सेटिंग कर सकते अब नेक्स्ट क्लिक करोगे
एडमिन पासवर्ड है और आप देना चाहते हैं, जब आपका सिस्टम ऑन होता है और आप चाहते हो पासवर्ड देना, तो आप या उसी में साइन कर सकते हो या फिर इन्हें ब्लैंक में रख सकते हो। ब्लैंक रखोगे तो कोई आपके पास में वैलिडेशन नहीं होगी, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो अगर आप इसमें पासवर्ड दोगे तो जब आप ऑन करोगे तो एक यूजर बन के आएगा आइकन, और उसके अंदर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी आप आगे कर सकते। तो मैं पासवर्ड आप बाद में भी दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसको ब्लैंक नेक्स्ट कर दिए ब्लैंक के साथ। इसकी बात करें जो आप विंडो को इंस्टॉल करते हो, जब आप केसेस लेके आते हो, अब आजकल क्या कर दिया है उन्होंने, विंडो देना बंद कर दिया है। जो भी सिस्टम देते हैं आपको लैपटॉप वगैरह, वो इनबिल्ड करके देते हैं, ठीक है। तो इनबिल्ड करके देते हैं तो आपको उसकी की का पता नहीं है। और जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था प्रोडक्ट आई डी, वो काम करती नहीं है, वो सिस्टम की प्रोडक्ट आई डी है, वो कोई प्रोडक्ट की नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका है, क्योंकि सिस्टम नॉर्मल जो आपका प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी कोई टूल यूज करना पड़ेगा अपने सिस्टम की को देखने के लिए। विंडो लोडर क्या है? विंडो लोडर, लोडर से विंडो लोडर से की नहीं दिखा, नहीं नहीं विंडो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ की दिख जाती है, सर लास्ट में लिखा आता है दिस की सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, आप की देख सकते हैं, ठीक है। वो लोडर करने का भी पार्ट है। हां मैं नॉर्मल आप यूज कर सकते हो, मैंने काफी बहुत पायरेटेड यूज किया है, तो पायरेटेड जल्दी होगी ना, तो मिलती नहीं ओरिजिनल की 14,000 की, कौन सी ओरिजिनल? सर वो तो होगा कि हां, वो डिपेंड विंडो विस्टा जो आई थी वो 16,000 की थी, अब तो मिलती नहीं है, बहुत महंगी होती है।